हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल टाइम क्लासेस सहारनपुर चैनल पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास आपकी एल्केन एंड हेलो एल्केन की क्लास है। और ये जो क्लास है आपके 12th क्लास के लिए है, जो केमिस्ट्री की क्लास है स्पेशल। तो दोस्तों, इसमें अगर आपकी कोई भी शिकायत, किसी तरह का सुझाव, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी क्लास पसंद आई तो दोस्तों, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, इसमें भी हम वही जो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन के बारे में, हेलो एल्केन के विचरण यानी हेलो एल्केन के विरचन या कह दो निर्माण के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आज की भी क्लास कुछ इसी तरीके से, बट आज की क्लास होगी जो हमारी आज की क्लास है एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा। तो चलो आइए देखें, हेलोजन का विरचन, या तो विरचन लिखो या लिखो आप निर्माण, ठीक है। तो वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में एक बार फिर जल्दी जल्दी बात कर ले कि हेलोजन के बारे में, हेलोजन होता क्या है। हेलोजन क्या होता है? हेलो, हेलो का मतलब है हेलोजन, जिसमें आपके ये पार्टिकल आते हो, यानी ये Cl हुआ, Br हुआ और आयोडाइड, जिसमें ये मिलते हैं हेलोजन। और एल्क, एल्क का मतलब बंद, और जी ठीक है, और हेलोजन हुआ ना जैसे, तो हेलोजन में इन चीज़ के बारे में बात करेंगे आप। तो अब बात कर रहे हैं आप एल्कीन के द्वारा। लो देखो, इसमें है एल्कीन के द्वारा। तो चलो समझे एल्कीन के द्वारा किस तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले इसे समझने से पहले हमें एक नियम समझना होगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नियम आप सही तरीके से नहीं समझ पाए तो दोस्तों ये जो है इक्वेशन, यानी जो ये क्वेश्चन है आपके सोल्व नहीं हो पाने के, सॉरी जो ये आपकी यानी रिएक्शन है वो आप समझ नहीं पाने के, ठीक है ना। तो आइए देखो, तो जो यानी मार, देखो इनका नाम क्या था, ये था मार कोर्निकोव, मार कोर्निकोव का नियम, ठीक है दोस्तों। तो इसे सोल्व करने थी, यानी इन ये जो भी है आज के जो एल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे उन्हें समझने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम नियम को समझना होगा। अब इस नियम को समझो आप किस तरीके से है, क्या बताया इन्होंने इस नियम के बारे में, इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने बस ज़्यादा से आसान से ही थोड़ा यानी भी बहुत अच्छे तरीके शब्दों में कहा, बस इन्होंने पूछा, बताया था कि जैसे हेलो एल्केन कुछ भी आप जो ले रहे रिएक्शन कराओगे, जैसे आपकी एच और बी आर की रिएक्शन कराओगे, अभी तो समझ में आने की, अभी नेक्स्ट जो लेंगे ना रिएक्शन उसमें समझ में आनी है आपको। तो उसमें पूछा गया कि एच किसके पास पहुँचेगा और बी किसके पास पहुँचेगा, ये बात है H किसके पास और B किसके पास। तो यहाँ देखो मेन क्या है, मेन बात है यहाँ पर, अगर आपको इन्होंने बताया था जो सबसे पहले H आपका वहाँ पहुँचेगा जहाँ H जो पहुँचेगा, ठीक है, जहाँ H ठीक है की संख्या ज़्यादा होगी, कहाँ जाएगा, जहाँ H की संख्या ज़्यादा होगी। इसमें अगर Br की बात करें, Br कहाँ पहुँचेगा आपका, Br जहाँ H की संख्या ठीक है कुछ कम होगी, समझ गए, कहाँ पहुँचेगा जहाँ H की संख्या कुछ कम होगी, समझ भाई बात। ये तो है मार्कोनिकोव का नियम, ठीक है। तो इसी के बाद एक नियम और रहा जिसे प्रति मार्कोनी प्रति लगा दिया बस उस नियम में, उसमें क्या होगा, उसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा आपका, समझे, हाँ। तो यानी बी आर कहाँ पहुँचेगा जहाँ ज़्यादा संख्या मिलेगी, उसके बारे में भी समझेंगे। तो ये नोट कर लो अभी जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये समझा, ये है मार्कोनिकोव
का नियम इसमें क्या था, यानी जहाँ एच की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ एच लेंगे आप, ठीक है, और जहाँ आपकी एच की संख्या का कम होगा हो, तो कुछ बी आर कम होगा, होगी, वहाँ क्या लोगे आप, बी आर। बी आर। तो समझो अभी ये नियम है, बस इस नियम के तहत बात को समझनी है आपको, लो थोड़ा सा याद रखना बस। देखो करना क्या है, एल्कीन के द्वारा समझे, अगर हम रिएक्शन कैसा करा रहे, सी एच थ्री, यहाँ सी एच ले लिया और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सी एच टू, ठीक है ना, इस तरीके से है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है सी एच टू, यहाँ तक तो बताओ अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब सुनो, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप एच बी आर से, किससे कराई, एच बी आर। तो जब इसके साथ आप रिएक्शन कराओगे होता क्या है, देखो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ साथ जाएगा, इसके साथ, और एक ये इधर से अपना दो, यानी दो इलेक्ट्रॉन से पेयर बना हुआ, जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इधर भी साथ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन क्या ले बैठेगा, एच के साथ पहुंच लेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन, यानी अब देखो या तो अब या एक तो के साथ तो एच पहुंचना है, एक के साथ पहुंचना है बी आर। अब कंफर्म ये नहीं है कि एच किसके साथ पहुंचेगा और बी आर किसके साथ पहुंचेगा, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो मेन है, अगर आप इसे समझना चाह रहे, तो हमने अभी क्या पढ़ा, मार्कोनी नाव का, हाँ, तो उसमें क्या पढ़ा, एच उसके साथ पढ़ा पहुंचेगा जहाँ एच ज़्यादा होंगे, एच ज़्यादा किसके साथ है, सी एच टू, तो इसके साथ तो पहुँचने हैं एच, और इसके साथ क्या पहुँचेगा, बी। अब देखो इसमें एक, यानी एक इलेक्ट्रॉन आपने इसके साथ साझा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड हट गया डबल, तो सी एच, अब यानी यहाँ क्या आया, बी आर, और एक और सी एच टू, इसके साथ क्या मिला, एच ओनली। तो ये रिएक्शन थी मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी कोउ का नियम समझने के लिए इस रिएक्शन से बनी बात, बताओ यहाँ तक अगर बात आई। तो है तो क्या, एक इलेक्ट्रॉन इस पे फ्री था और एक इलेक्ट्रॉन इस पे फ्री था, समझे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के लिए ये नियम लागू हो आपका, ठीक। तो बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो चलो अब देखना चाहो तो ये भी आपका क्या क्या बना रहे हैं आप, हेलोजन का निर्माण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आज हम, हेलोजन किसके जरिए, एल्कीन के द्वारा। तो जहाँ आपका हेलोजन होता क्या है, जब आपकी एच हटाने के बाद किसी इनमें से एक की रिएक्शन मिल जाती है, मैं चलो बताना चाह रहा, जैसे कि ये था आपका सी सी एच था ना, यहाँ पे ऐसा होता है, अगर यहाँ से एच हटा के किसी तरह एक एक लगा दो इनमें से कोई सा भी, तो क्या बन जाएगा, वो हेलोजन बन जाएगा। तो इसके मतलब इसके साथ भी बन गया, इसके साथ भी मिला, समझ भाई बात, ये बनाना था बन चुका। अब थोड़ा सा और समझना देखो इस बारे में, अगर हम बात समझे थोड़ी सी अलग, बात आई नहीं तो समझ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसे चाहे तो रफ कर दो, हेलोजन का निर्माण कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, बस लो देखो इतनी ये बात आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखो, सी एच थ्री एज इट इज लिख दिया ये आपने, जैसा भी था एज इट इज, और सी एच टू, ठीक है ना। अब हमने करा तो रहे सेम रिएक्शन, पर सेम रिएक्शन कराने किसकी रिप्रेजेंट में, यानी किसकी, पर ऑक्साइड, चलो ठीक ये लिख लो, वैसे लिख दो कोई बात नहीं, ये हुआ आपका परोक्साइड। तो लेकिन कराते किसके साथ रहे, पहले ये लिखो, ये गलत हो रहा, क्या लिखो, एच बी आर, एच बी आर के साथ रिएक्शन कराई, लेकिन है तो सेम ही प्रोसीजर, बट थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज क्या है, इस बार हम करा रहे पर ऑक्साइड की, परा ऑक्साइड ऐसे लिख दो इसकी रिप्रेजेंट में। अगर परा ऑक्साइड की बात करें तो अब दूसरा नियम लागू होगा यहाँ पर, परऑक्साइड की अगर बात कर रहे हैं तो दस दूसरा नियम क्या होगा, दूसरे नियम को समझो, दूसरे नियम का होगी बात वही, प्रति किसका नियम, मार्को मार्कोनी निको का नियम। तो इस इनका नियम क्या है, अब इनका नियम दूसरे तरीके से लागू होगा, हाँ, कुछ कम होगी, जहाँ एच
की संख्या जहां कुछ कम होगी वहां क्या जुड़ेगा आपका? एच। जहां एच की संख्या कुछ कम होगी वहां क्या जुड़ेगा? एच। अच्छा, और जहां बी आ सॉरी एच की संख्या अधिक होगी ठीक है ना, तो वहां जुड़ेगा आपका बी आर। तो अब लागू होगा ये नियम, इसे भी लिख लो। तो यहाँ थोड़ा सा इससे पहले समझने के लिए ना थोड़ा सा 11th जो क्लास है, 11th क्लास की बात समझनी थोड़ी सी जरूर होती है दोस्तों। तो ये बताओ यहाँ तक की अगर बात आपकी समझ में आई तो ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ लो इससे अलग अगर आप पढ़ना चाह रहे। ये नियम नोट कर लिया आपने? हो गया, एक नोट में और लिख लो थोड़ा सा। पहली बात तो यह है कि पर ऑक्साइड होता क्या है, पर ऑक्साइड होता क्या है, इसे भी समझ लो। तो ये तो बात आई समझ में, इस नियम का यूज करोगे आप। लो पहली बात, एक थोड़ा सा और नोट में लिख लो, पर ऑक्साइड ठीक है क्या होता है? पर ऑक्साइड ठीक है, ये क्या होता है इसे भी समझो। देखो आसान ही है, जब ऑक्सीजन आपके, यानी कहने का मतलब जब दो ऑक्सीजन सीधे सीधे जुड़े हों, किससे जुड़े हों? सीधे सीधे ऑक्सीजन सीधे सीधे एक बॉन्ड से जुड़े हुए, सीधे सीधे जुड़े हो, तो उसे क्या कहते हो? परऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है वो? परऑक्साइड। तो बात आ गई समझ में? अगर दोस्तों मेरी बात समझ में या नहीं आई, आप कुछ को कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो को पॉज करने के बाद आप मेरी लैंग्वेज नोट कर लो, एक बार फिर बात कर लें। जब दो ऑक्सीजन, चाहे तो मैं लिख ही देता हूँ, दो ऑक्सीजन सीधे सीधे ठीक है ना जुड़े हों, तो आप बोल लोगे उसे परोक्साइड ठीक है। अब परोक्साइड का मतलब, अब देखो बात को समझो, अगर आप इन्हें एच से जोड़ देते हो, किससे जोड़ देते हो, तो क्या बनेगा इसका नाम? इसी तरह अगर आप इसे ओ से जोड़ दो या एन से जोड़ दो सपोज, तो इसका अगर नाम बनाना चाह रहे हैं, इसका नाम होगा हाइड्रोजन ठीक है जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका क्या होगा? सोडियम, सोडियम परऑक्साइड। तो समझ गए ना, सोडियम परऑक्साइड क्या होगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है। अगर मैग्नीशियम लगाना चाह रहे तो मैग्नीशियम परऑक्साइड ठीक है। तो इस तरीके से है ये आपका जो बनता है। अब बताओ यहां तक की बात अगर कोई दिक्कत है तो ठीक होगी बात, क्लियर है? तो अब इस इसे रफ कर दें। नोट करना चाह रहे क्या कुछ? चलो देख लो, कर लो जल्दी से थोड़ा। अब देखो दोस्तों, जो भी आपकी, यानी पहले तो चलो इस रिएक्शन को समझ लो, फिर करते हैं बात। लो देखो अब कैसे क्या मिला, अब सी एच थी तो एज इट इज ठीक, सी एच इस पर क्या है? एच। यहाँ एच देखो कितने हैं, कम, तो एच यहाँ जुड़ना, और ये हुआ आपका CH2, इसके साथ क्या जुड़ना आपका? बी आर। यहाँ तक बताओ अगर कोई दिक्कत है तो, बात आई समझ में? ठीक है, तो ये है आपका परोक्साइड की, जब अभिकर्मक किस तरह से हो, परोक्साइड हो आपका ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात आ गई हमारी समझ में। अब देखो, अब हम समझेंगे इसकी क्रियाविधि, क्या समझेंगे हम इसकी? क्रियाविधि। और दोस्तों एक बात याद रखो कि एग्जाम में आपके क्रियाविधि हर हालत में जरूर पूछता है ठीक है, इसलिए जो भी ये क्रियाविधि है अभी इन्हें पूरी तरह से तैयार करके चलना आपको ठीक है ना। तो चलो बात को समझे, अब इनकी क्रियाविधि के बारे में समझे हम। तो देखो क्रिया विधि, तो अगर अभी से पहले बात करें, जिस तरह HBr था आपका, HBr को अगर आप लिखना चाह रहे हैं, तो H पे क्या होता है? पॉजिटिव, और B पे क्या होता है? नेगेटिव। इस तरीके से है आपके HBr।
तो अब समझेंगे देखो किस तरीके से काम करना। अगर ये आप समझना चाह रहे हैं पहली बार एम का नियम, एम का नियम यानी वही जो पहला अभी पढ़ा आपने, ठीक है, मार्कोनी नाउ नियम। तो इसी रिएक्शन को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो इसे समझो किस तरीके से। देखो इसमें क्या है, इसमें वही रिएक्शन जैसे आपने रखी किसी तरीके से, यानी क्या थी आपकी वो रिएक्शन, CH3 CH CH2, ठीक है, CH3। अब देखो इनकी खास अगर बात देखी जाए तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े हुए, ठीक है, ये कार्बन दो इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। अब बात को समझो, ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर शेयर कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर भी शेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम इस बात को समझने के लिए दो केस लेंगे, इसे केस फर्स्ट लिख दो। क्या लिख दो? केस फर्स्ट। अगर केस फर्स्ट को समझना चाह रहे तो आप एक काम कर दो कि फिलहाल इसने अपना इलेक्ट्रॉन किधर शेयर किया, इसके साथ, ठीक है। अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो देखो समझो होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुआ तो CH3 तो एज इट इज, ठीक है। अब समझो, अब इसने इलेक्ट्रॉन इसे दिया यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो CH3 इस पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इस पर कितना मिलना आपका CH2, जिससे पहुंचा उस पर एक कम यानी निगेटिव। यहाँ तक तो बताओ अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब बात को मेन समझो, थोड़ी सी बात को समझो, क्या बात करी हमने इसमें, कहा गया, थोड़ा सा एक नोट में लिखना चाहो तो लिख लो थोड़ा सा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लिया जाता है ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, अच्छा अब सुनो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लिया गया, किसके पास लिया गया, CH के पास, तो इसे इसे आप अलग नाम से बुलाओगे इसे, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन लिया गया, जिसके पास से लिया गया तो इसे यानी इससे गया, यहाँ से गया, ठीक है, जब इससे गया तो इसका मतलब इसके पास ज़्यादा थे तब दिया इसने से, तो इसका मतलब इस पर क्या है, इस पर प्लस लिया जाएगा, इसे बोलोगे कार्ब धनायन। क्या बोलोगे आप? कार्ब धनायन, ये 11th क्लास का है, इसे सही तरीके से याद रखियो, ठीक है, इसे क्या बोलोगे आप? कार्ब धनायन, धनायन। तो अब बात को समझो, यानी इसने ये इलेक्ट्रॉन साथ जाए इसके साथ, ठीक है, अगर समझे केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड में क्या था, यानी इस बार तो इसने किया इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, अगर सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर शेयर कर देता, क्यों भाई, ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर शेयर कर देता तो क्या होता, अगर सेकंड की बात करें, इसने इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, ठीक है, तो क्या होगा, हाँ, इस पर निगेटिव आ जाएगा CH3, ये हो गया आपका CH, इस पर निगेटिव आया और यहाँ बना CH2, इस पर पॉजिटिव, अगर इस पर पॉजिटिव लिया तो इसे क्या बोलोगे आप, कार्ब धनायन, ठीक है, तो कार्ब धनायन। तो अब बात करो मेन बात क्या है, देखो अगर इसके साथ यानी ये किस पर जुड़ा हुआ, देखो बात को समझो, एक इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ा हुआ है, एक एक इधर जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ तो इसे बोल लोगे आप 2 डिग्री, क्या बोल दोगे साहब, 2 डिग्री। इसमें बात करो तो इसमें क्या होगा, यानी 2 डिग्री कार्बन धनायन, क्या बोलोगे आप इसे, कार्बन धनायन।
अगर यहाँ बात करें तो इसमें सिर्फ कितना जुड़ा हुआ, एक, तो ये हुआ 1 डिग्री। क्या हुआ ये, तो बात आई, इस पर कितना है सिर्फ एक उससे जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बन आयन। तो एक छोटी सी नोट में रख लो बात, यहाँ पे क्या है 2 डिग्री कार्बन आयन ठीक है, 1 डिग्री कार्बन आयन से ज्यादा स्थाई होता है। ये नोट में लिख लेना ठीक है, क्यों 1 डिग्री से ज्यादा, क्यों है स्थाई ज्यादा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ, दोनों साइड से जुड़ा हुआ, और ये कितना, ये सिर्फ एक साइड से जुड़ा हुआ। इसका मतलब हुआ ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये कम अस्थाई है, तो इसे छोड़ दो, ये बेकार हुई रिएक्शन। तो अच्छी रिएक्शन कौन सी हमारी, ये वाली, ठीक है ना, बात आई समझ में। कब अच्छा कब होगा, जब वो आपका इलेक्ट्रॉन शेयर करे जहाँ एच ज़्यादा हो, यानी कहने का मतलब ये है जो मार्कोनिकाओ का नियम हमने जो पढ़ा वो कहाँ ज़्यादा अच्छा बैठेगा, जब आपके इलेक्ट्रॉन किधर शेयर हो, प्लस की साइड में, समझ में बात, जब इलेक्ट्रॉन आपके प्लस साइड में होंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई तुम्हारी, ठीक है, आगे समझ में। तो थोड़ा सा और देख लो, चलो कर दे सर आप, चलो लो देखो। तो इसी तरीके से हमने यहाँ क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ एल्कीन द्वारा हम क्या निकालने, हेलो हेलोजन, ठीक है, हेलो हेलोजन निकालने का, यानी हेलोजन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। तो कर देना पीछे, ये लो देखो। अब इसी तरीके से ये क्या थी इसकी क्रियाविधि, तो क्रियाविधि में डायरेक्ट ये आपको सारी बातें लिखनी है इस तरीके से जो जो हमने किया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर थोड़ा सा और समझना चाहो तो इसी तरीके से देखो, तो सी एच थ्री जहाँ से आपका ये सी एच है, इस पर क्या था, पॉजिटिव, तो ठीक है, डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड, ये सी एच टू इस पर नेगेटिव था, समझ रहे। तो देखो अब रिएक्शन करा रहे हैं आप एच बी आर की, किसकी रिएक्शन कराई, एच बी आर की। तो एच बी आर की अगर रिएक्शन कराते हो तो कैसे होगी रिएक्शन, बस उसी तरीके से। अब ये एच कहाँ पहुँचना आपका, हाँ, जिस पर ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमने अभी पीछे बात देखी चेक करने के बाद, जिस पर ज़्यादा होंगे तो उस पर एच पहुँच जाएगा, यानी यही यहाँ लिख लो, ये लिख लो, ये होगा सी एच थ्री सी एच, ये प्लस है, इस पर पहुँच जाएगा आपका बी आर, और यहाँ पर है सी एच टू, और यहाँ पर पहुँच जाएगा एच। तो ये रिएक्शन थी हमने जो पूरी पढ़ी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।